टॉपिक का नाम है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, इसका मैथमेटिकल प्रूफ। ट्रांसवर्स नेचर ईएम वेव का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की प्रोपगेशन आपस में कितने एंगल पर है, 90 पे है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं और इसका प्रूफ है। प्रूफ के लिए वो कहता है एक काम करो, ईएम वेव मान लो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है, इमेजिन कर लो। अगर ईएम वेव एक्स के अलोंग प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के अलोंग नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही होंगे। हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि अगर वेव ऐसे प्रोपगेट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लो ऐसे ही कर रहा है, जो हो नहीं सकता मुझे भी पता है, मैं इसको प्रूफ गलत कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अलोंग ही है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है इस क्लोज्ड बॉडी, अब इमेजिन कर लो आपने एक पोर्शन ऑफ ईएम वेव लिया किसी शेप का, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स सभी के सभी फेसेस का क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि चार्ज नहीं है इनसाइड अ क्लोज बॉडी, सभी फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। अब इसके अंदर अगर सभी फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, तो इसमें एरिया में ई में एंगल जीरो बनेगा, इसमें ई में ई राइट है, एरिया लेफ्ट है, एंगल 180 बनेगा, और इसमें ई राइट है, एरिया ऊपर है, जीरो। इसमें फ्लक्स जीरो, इसमें जीरो, इसमें और इसमें जीरो, चार में तो वैसे ही जीरो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्वेश्चन भी किए थे। और इसमें ई डी एस कॉस जीरो, इसमें ई डी एस कॉस 180, ये देखो ये बना हुआ है, ये रहा ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस 180, बाकी में चार में तो वैसे ही जीरो है। और क्योंकि ई एम वेव की कंडीशन ये है, शर्त ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए, तो एक जगह पे मैंने फील्ड ई एक्स ले लिया और एक जगह पे मैंने ई एक्स डैश ले लिया ताकि सेम नहीं है। कॉस 180 माइनस 1 है, एरिया एरिया बराबर कट गया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इनका डिफरेंस जीरो का दो ही मतलब है, या तो ये वैल्यू बराबर है या ये वैल्यू जीरो है। बराबर हो नहीं सकती, ई एम वेव में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कॉन्स्टेंट हो नहीं सकता, तो ये तो रूल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसका मतलब एक्स पे जीरो है, तो मेरी अजम्पशन गलत थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपगेशन में के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसी सिमिलरली लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी सेम चीज़ प्रूव की जा सकती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि वेव प्रोपगेशन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी ट्रांसवर्स नेचर है। आएगा नहीं, पिछले 10 साल में आया नहीं है पेपर में।